तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, राइट। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े डिटेल्स में क्वांटम नंबर्स के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एसडी मुटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर्स, कब सबका डिटेल्स पढ़ा, राइट। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के स्क्वायर के बराबर होता है उसका इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की संभावना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, साई स्क्वायर एट ए पॉइंट इज ए पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जब कब होता है, जब साई स्क्वायर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताता है। तो डायग्राम देखो, शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी डायग्राम। तो ये आपका 1s का डायग्राम था और ये आपका 2s का डायग्राम था, ठीक है। तो देखो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2s, 2s ऑर्बिटल शो वन नोड। तो नोड किसको बोलते हैं वो बताता हूँ, विच इज अ रीजन विच नियरली जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो यस सर, नोड ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की संभावना बहुत ही जीरो होता है, मतलब ना के बराबर होता है, एंड डिस्प्लेस द चेंज ऑफ साइन ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। और वहां पे वेव फंक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं और डिटेल में बताता हूँ। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे फर्स्ट फोर सेल विथ थ्री क्वांटम नंबर फॉर ईच ऑर्बिटल, ठीक है। ये टेबल का टॉपिक का नाम है। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू 1 है, तो ये के सेल को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ सब सेल 1 होगा, एन के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे एन 1 होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल इक्वल टू 0 होता है सब सेल के लिए। देखो तो 1s के लिए, एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे 1 जो है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो फिर 2l+1 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालते हैं, तो ये 1 आएगा, ठीक है। एम एल का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 कैसे आया, क्योंकि एम एल इक्वल टू -L2+L होता है, तो यहाँ पे एल का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एम एल इक्वल टू -0 to 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो एल, यस सर, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट है, एन का वैल्यू 2, तो एल सेल को रिप्रेजेंट करेगा, तो नंबर ऑफ सब सेल 2 होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट होता है, तो इसमें दो एजीमुथल क्वांटम नंबर आएगा, एल का वैल्यू 0 और एक एल का वैल्यू 1। तो एल का वैल्यू 0 होगा तो एस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड ऑर्बिट में आ गया ना, इसलिए 2 लिखा है, ठीक है। देखो ये 2 लिखा है, और एल का वैल्यू 1 होगा तो पी लिखेगा, तो 2p हो गया। तो यहाँ पे एस में एक ही सब सेल होता है और पी में 3 होता है ना, अभी पढ़ाया था, PX PY PZ, ठीक है, PX ऐसे PY PZ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम एल का वैल्यू 3 टाइप्स का आएगा, क्योंकि ये एल का वैल्यू 1 है, तो -1 to 1 रेंज होता है, तो -1 0 1 आएगा। तो PS के लिए एम एल का वैल्यू -1 है, PY के लिए 0 है, PZ के लिए 1 है। यहाँ तक क्लियर है, ऐसे ठीक है। अभी यहाँ तक लिखो, फिर मैं थर्ड ऑर्बिट से बताता हूँ, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, अभी हम लोग एम सब सेल पढ़ेंगे। एम सेल है आपका और एन का वैल्यू 3, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, ठीक है, मतलब थर्ड ऑर्बिट में। तो एन का वैल्यू भी 3 होगा, 3 क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कितने नंबर्स ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। तो देखो एल का वैल्यू 0 तो एस को रिप्रेजेंट करेगा, एल का वैल्यू 1 है तो पी को रिप्रेजेंट करेगा, एल का वैल्यू 2 है तो डी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसमें एम एल का वैल्यू 0 आता है, एल का वैल्यू अगर 1 है तो 3 रेंज आएगा, एक -1 0 1, तो यहाँ पे देखो -1 0 1 लिखा है, ठीक है। फिर एल का वैल्यू 2 है तो ये -2 to 2 होता है, तो यस -2 -1 0 1 2 आएगा, राइट, 5 आएगा इसमें, क्योंकि ऐसे भी डी में 5 सब सेल्स होते हैं ना,
तो देखो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ठीक है, तो पांच आएगा। मैं बताया था ना पिछले क्लास में डी का पांच बॉक्स बनता है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो यहां तक लिख लो फिर जा सकते हैं। ऐसे